ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये एक ऐसा व्यक्तिमत्व है कि जो जिसको बीमारी नहीं है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है, मगर वो उसके जैसा थोड़ा सा उसमें दुर्गुण है कि जो आगे चल के वैसा बन सकता है। अब नीचे जो मैं आपको 8 पॉइंट बताता हूँ, ये 8 पॉइंट में से उसको जी 4 पॉइंट्स उसमें हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्तिमत्व का दोष है और उसको ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं। नंबर एक, यह जो व्यक्ति है ये बहुत नियम से चलने वाला व्यक्ति रहता है। नियम, लिस्ट होना, चेकलिस्ट, फिर ऑर्डरलीनेस, फिर टाइम टेबल, शेड्यूल्स, ऐसा उसको बिल्कुल चाहिए और वो उसके हिसाब से ही काम करेगा। जैसा लिखा है वैसा काम करेगा, बाकी अलग से काम नहीं करेगा, और लिस्ट के मुताबिक जाएगा, चेकलिस्ट के मुताबिक जाएगा। नंबर दो, वो प्रोजेक्ट इसका या कोई काम होगा तो वो पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके जो स्टैंडर्ड्स है, परफेक्शन है, वो उसको पूरा जब तक होता नहीं तब तक वो काम पूरा करता नहीं, और वो परफेक्ट कभी होने वाला है नहीं, तो उसके जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, अधूरे रह जाते हैं। नंबर तीन, काम के प्रति उसका इतना समर्पण रहता है, इतना काम करता है वो, कि उसको फुर्सत ही नहीं मिलती कोई बाकी काम करने के लिए। दोस्तों के साथ में बाकी आराम का समय उसको कोई फुर्सत नहीं रहती, और वो लोगों के सामने टाइम दे सकता नहीं, अकेला रह सकता नहीं, कि उसको काम ही काम पूर्ते रहता है और परफेक्ट काम करते रहता है। नंबर चार, उसकी नैतिकता जो है, उसकी आचार संहिता जो है, उसकी मान्यता है, इसके बारे में बहुत कठोर है। मतलब एथिक्स के बारे में, मॉरेलिटी के बारे में, रूल्स के बारे में, है ना, ऐसा बहुत कठोर रहता है वो, कि भाई नहीं नहीं उसका तो पालन होना ही चाहिए। फिर नंबर पाँच, बिना काम की वस्तुएं वो संभाल के रखेगा। जिसको भावनात्मकता नहीं है, कोई भावनात्मक रूप से वो जुड़ा भी नहीं कोई चीज़ से, तभी वो संभाल के रखेगा, फेंकेगा नहीं। नंबर छः, किसी के ऊपर वो काम नहीं सौंप सकता है। जब तक इसके मुताबिक वो व्यक्ति काम नहीं करता, इसका जो स्टैंडर्ड आइडियल है, इसका जो वे है, उसके मुताबिक जो जैसा कोई काम नहीं करेगा तो उसको काम सौंपेगा नहीं, अकेला अकेले ही करते रहेगा। नंबर सात, खर्चा करने में ये बहुत दुखी हो जाता है, खर्चा नहीं करता, और पैसे को ऐसा देखता है कि ये आने वाले मुश्किल जो है, मतलब भविष्य में बहुत मुश्किलें आने वाली है, इसके लिए वो पैसों का मतलब वो होर्डिंग करते रहता है, जमा करके रख देता है, और पैसा खर्च करने में दुखी होता है। नंबर आठ, ये है ना, हर बात में बहुत कठोर होता है, हर बात में अड़ियलपन उसका रहता है, अड़ियल रहता है वो, या हर बात में वो जिद्दी बना करते रहता है। तो ऐसे व्यक्तिमत्व में ऐसे यदि दोष है और 8 में से 4 है, तो ये ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसको कहते हैं, और इसका साइकोथेरेपी से इसका इलाज हो सकता है, इसमें कोई दवाई नहीं है। आगे समझो इसका इलाज नहीं किया तो ये लोग आगे चल के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में परिवर्तित हो सकते, बीमारी हो सकती है। तो अभी तक इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।